बिग बॉस 17 खत्म होने के बाद इनके कंटेस्टेंट हाल ही में रियूनियन पार्टी में एक साथ नजर आए। अब इन दिनों विक्की जैन और अंकिता लोखंडे सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में दोनों ने एक साथ इंटरव्यू दिया और अपने वैलेंटाइन डे की प्लानिंग से लेकर फैमिली प्लानिंग तक कई बातों का खुलासा किया। हाल ही में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के साथ में HT को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि शो में लड़ाई झगड़े को लेकर आपकी शादी पर कई सवाल उठे, इस पर अंकिता ने कहा, परफेक्ट कपल की लड़ाई नहीं होती, क्या वही परफेक्ट कपल होता है। इसके आगे उन्होंने कहा, बाहर आने के बाद मैं खुद को विक्की से लड़ते हुए नहीं देखना चाहती, हम ऐसे नहीं है, अपने आप को ऐसे देखना ये कोई स्वस्थ एहसास नहीं है। वहीं विक्की ने इस बारे में कहा, उस शो में आपके व्यक्तित्व का एक और पहलू सामने आता है, हो सकता है कि वह पक्ष सामने आ जाए जो असल जिंदगी में आपका व्यक्तित्व नहीं है। आप बाहर सामान्य रूप से अपनी पसंद की जिंदगी जीते हैं, परिवार को समय देते हैं, जिंदगी बहुत अलग है, वो असली शादी नहीं है जो लोगों ने शो में देखी है, ये असली शादी है। जब अंकिता और विक्की से पूछा गया कि उनका इस साल वैलेंटाइन डे क्या प्लान है, तो इस पर विक्की ने कहा, इसे सरप्राइज ही रहने देते हैं, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कुछ समय के लिए किसी भी फैसले से दूर होकर उस समय को एक दूसरे के साथ बिताएं। जब इस कपल से परिवार शुरू करने के बारे में पूछा गया तो विक्की ने जवाब दिया कि हाँ, हमने इस पर विचार किया है। वहीं अंकिता ने कहा, अभी तो हम खुद बच्चे हैं। बता दें कि बिग बॉस 17 के घर में अंकिता लोखंडे ने प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया था, हालांकि उनका रिजल्ट निगेटिव आया था।